Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. भारतीय अपनी पार्टी भाई साथी जरा जोर से बोले जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स 70 वादे फल फ्री योजना और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान उन्होंने झंडा दिखाया ये 70 की 70 विधानसभाओं में ये रथ घूमेगा। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है राकेश वाल्मीकि और मैं दिल्ली कैंट से आपकी अपनी पार्टी से प्रत्याशी हूँ, मतलब प्रभारी हूँ फिलहाल, तो लेकिन प्रत्याशी हो जाऊँगा ये मुझे उम्मीद है। जैसे हम देख रहे हैं आपकी अपनी पार्टी जो पीपल्स है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रथ यात्रा आज शुभ आरंभ किया गया यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी के और आप भी आए जी जी, तो किन मैनोफेस्टो को लेके ये रथ दिल्ली में रथ यात्रा निकालेंगे और लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीदों और जिस वादों से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को वोट दिया वो उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि केजरीवाल जी एक नंबर के झूठे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये देखिए अपने उन्होंने कसम खाई थी कि मैं ना कांग्रेस से समर्थन लूँगा ना बीजेपी से समर्थन लूँगा, अपने बच्चों को कसम खाता हूँ, पहले बात आप यहीं देख लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप बता दीजिए दिल्ली में कोई नया स्कूल खुला हो तो नया कोई कॉलेज खुला हो, नाली खड़ंजे महिलाओं की पेंशन वृद्धा पेंशन कहाँ है सब कुछ, यानी कि आप झूठे हैं। हैं आप फ्री 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 फ्री, अरे फ्री का ढोंग करें आप। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि या तो आप बम फोड़ दो या फिर एकदम से मार दो लोगों को, इतना प्रदूषण है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि आपने दिल्ली को खोखला कर दिया है। तो बताइए कि जब इतनी झूठी सरकार है ये तो हम इसे जनता हमें दिल्ली की जनता क्यों वोट दे, बताइए आप। अच्छा सर, जैसे आप दिल्ली की सरकार पे आरोप लगा रहे कि एकदम झूठे जो भी वादे किए वो कोई वादे पूरे नहीं किए, क्या आपकी अपनी पार्टी अगर सत्ता में आती है 2020 में जैसे दिल्ली में चुनाव है किन मैनोफेस्टो को लेके आएगी और लोगों को क्या क्या फैसिलिटी देगी, रोजगार या और कुछ ऐसा कुछ आपके मैनोफेस्टो में है? देखिए जैसे कि हमारे मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, पहली बात तो हम कहेंगे कि दिल्ली के महिलाओं को हम फ्री नहीं देंगे, लेकिन हाँ 3 घंटे का रोजगार अवश्य देंगे। दूसरी बात हम फ्री कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम DTC में हम सब फ्री नहीं देंगे लेकिन हम सबको सस्ता किराया देंगे, सस्ता सबके लिए सब सस्ता करेंगे, राशन उपलब्ध कराएंगे, बिजली उपलब्ध कराएंगे, लेकिन फ्री नहीं, क्योंकि फ्री 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 जनता तो फ्री के पीछे ज़्यादा भागती है। ये कैसे समझा पाऊंगे? ये देश की विड़म्बना है कि हम जनता को इस बात के लिए आगाह करेंगे, सतर्क करेंगे, समझदार बनाएंगे कि देखिए फ्री के चक्कर में मत आइए, क्योंकि फ्री करने से देश और ना सिर्फ देश बल्कि दिल्ली पूरी खोखली हो चुकी है, इसे फ्री के लालच में मत आइए बल्कि दिल्ली का विकास कीजिए। क्या जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की ये चुनाव को लेकर निकाली जा रही? जी हाँ, चुनाव को नहीं, ये चुनाव है लेकिन इसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य है जनता को जागरूक करना। चुनाव तो खैर है ही है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है जनता को जागरूक करना कि इस झूठे बेईमान केजरीवाल के झांसे में मत आइए, क्योंकि इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और इसके बहकाव में मत आइए। तो जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है एक दिन के लिए निकाली जा रही और कम संपन्न होएगी? सर ये हमारी रथ यात्रा है, दिल्ली में 7 लोकसभा हैं, 7 लोकसभा में 10 दिन का प्रचार होगा और हम देश को दिल्ली को जागरूक करने के लिए हमने रथ यात्रा निकाली है और हम चाहेंगे कि और हमारी उम्मीद भी है कि हम दिल्ली की जनता को जागरूक करके रहेंगे और रहेंगे रहेंगे रहेंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.